स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ शादाब काजमी और अभी हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में, जहाँ से मुख्तार अंसारी विधायक हैं। मुख्तार अंसारी जिनको लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं और राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी जारी है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिफतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी अभी बसपा में बने हुए हैं। हालांकि मायावती, बसपा मुखिया मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है कि किसी भी बाहुबली या माफिया को बहुजन समाज पार्टी 2022 में पार्टी का टिकट नहीं देगी और इसी क्रम में मुख्तार अंसारी को भी बसपा मऊ विधानसभा से टिकट ना देकर भीम राजभर को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। तो हम मऊ की जनता के बीच पहुंच चुके हैं और यहां की जनता का क्या मूड है उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। मुख्तार अंसारी यहां से आपके विधायक हैं, 5 बार से लगातार आप लोगों ने विधायक चुना सदर विधानसभा से, लेकिन अब बसपा जिस पार्टी में वो है उसने टिकट देने से ही मना कर दिया है। वो कुछ सोच के ही नहीं दे रही होगी। तो क्या लगता है, बसपा जिसको टिकट देगी उसके साथ जाएंगे आप? अब नहीं, जिसके साथ वो टिकट देगी उसके साथ थोड़ी जाएंगे। तो किसके साथ जाएंगे? जो अच्छा नेता लगेगा हम उसके साथ जाएंगे। कौन अच्छा लग रहा है यहाँ से? वो अच्छे हैं। कौन अच्छा है? मुख्तार अंसारी जी, तो हम उनके पास जाएंगे। मुख्तार के साथ जाएंगे? हाँ। क्यों, अच्छे क्या अच्छाई आखिर ऐसी नजर आती है? अरे वो यहाँ पे काम करते हैं गरीबों का, जो मतलब गरीब जनता है, कोई अगर दिक्कत परेशानी रहती है उनकी मदद करते हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हीं के पास जाएंगे। क्या काम किया है आखिर उन्होंने? और बहुत सारे काम किए हैं, कुछ बिनाएंगे। कई लोग तो ये भी शिकायतें करते हैं बुनकर की, जो है इस बार किसी और को चुनना है, मुख्तार अंसारी काम नहीं करते, बुनकरों की नहीं सुनते, कोई बुनकर नेता चुनेंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, ये सब नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मुख्तार अंसारी के साथ फिर जाएंगे? हाँ उन्हीं के साथ जाएंगे। आए नहीं है मऊ में तो कैसे मतलब कर, 3 साल हो गया, शक्ल को देखता है, ईद पड़ती है, कैसे शक्ल देखेंगे? वो तो जेल में बंद है, जेल में बंद है, जेल में बंद। यहाँ पे जो मौजूदा रहता है उनको वोट देते हैं और भले सो हारिया जीते यहाँ पे। हाँ, अंसारी है वो हमको, हाँ, उनको देते हैं। अच्छा, हमारे करीब हैं। हाँ, मौके पर आते हैं, कोई मौका रहता है। अल्ताफ अंसारी, हाँ वही, मतलब मुख्तार को हम आज तक शक्ल नहीं देखे हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी तो मऊ में आएंगे वोट लेने, रोएंगे गाएंगे वोट लेकर। पढ़ने पर भी वो तो नहीं आ सकते, वो तो जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद, जेल में रहते हैं ना। हाँ। बहुत उनके कार्यकर्ता अपनी मर्जी से थोड़ी है, वो रहते हैं ना उसमें। गुटका थूक लीजिए, गुटका थूकिए, बताइए क्या कर रहे हैं? ये बोल रहा है गुटका ना खाया कीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है सर, हम नहीं खाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबान। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ किसान है। हाँ, क्यों शान है, क्या करते? क्यों शान है? मऊ में जितनी बहन बेटी की शादी होती है, कोई गरीब मजदूर जाता है उनके लिए मदद करती, वो करते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पे एक भाई मौजूद थे जो कह रहे थे उनका चेहरा इतने साल तो से नहीं पैदा देखा। नहीं हुआ होगा? पैदा नहीं हुआ तो देखा नहीं, तो पैदा होने के बाद तो उनके काम दिखने चाहिए। वो क्या जाने, वो क्या जाने मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी आप जो जानते हैं जनता को बताइए। सुनिए, हम मुख्तार अंसारी को तब से जानते हैं कि हम अपने होश से जानते हैं। मुख्तार अंसारी मऊ की शान है, मुख्तार अंसारी को वोट हम लोग देंगे, पूरा मोहल्ला देगा। मुख्तार अंसारी के आदमी है तो मुख्तार अंसारी, उन पे तो इतने मुकदमे भी दर्ज हैं और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति, कुल झूठा उनके ऊपर ये केस डाला गया है, समझ रहे हैं? अच्छा, आदमी जो अच्छा करता है उनके पीछे आदमी लग जाते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी के बारे में जितनी भी अफवाहें खबर उड़ती है उनके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई होती है, कोई भी केस होता है, कोई भी जुल्म होता है, उनको फंसाया जाता है। मुख्तार अंसारी अपराधी है, माफिया है, उनसे किसी और को क्यों नहीं फंसाया जाता? इतने सारे मुकदमे दर्ज। मुख्तार अंसारी की आड़ में मुख्तार अंसारी को हाईलाइट किया गया हुआ है, इसलिए मुख्तार अंसारी को लोग, कोई भी नेता उनके आड़ में काम करता है मुख्तार अंसारी पे ही ठोक देते हैं कि मुख्तार अंसारी ने ही कराया। ऐसी कोई बात नहीं, मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, हम लोग जब तक जीते रहेंगे उसी को वोट देंगे, पूरी मऊ की जनता। क्यों आखिर मसीहा कह रहे हैं, क्या काम करा दिया उन्होंने? गरीबों की जो मदद करते हैं सबसे बड़ी चीज़ है, रोड विकास करते हैं ये लोग, बहुत से नेता हैं, क्या किया कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, मुख्तार अंसारी ने क्या किया? 25 साल से उन्होंने बहुत कुछ किया, गरीबों की हेल्प, गरीबों की मदद, शादी ब्याह कराना और भी बहुत से काम है जो जहाँ शादी ब्याह कराना और उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ होते हुए उनकी जो मस्जिद को तामीर कराया उन्होंने,
कितनी मस्जिद वीरान पड़ी थी उनको सही कराया हुआ। आपको क्या लगता है एक विधायक की जिम्मेदारी मस्जिद की तामीर कराना है? बहुत अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है बिल्कुल, लेकिन विधायक होते हुए उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, अगर जीते हैं मऊ से जीते सड़कों हाँ, का काम करवाया उन्होंने। सड़कों का काम क्यों करवाया? वो जेल में बंद है, उनको फंसाया जा रहा है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको आने नहीं देते। हाँ, तो कहाँ से वो काम कराएंगे? तो ऐसे मजबूर व्यक्ति को क्यों आखिर आप लोग चुनते हैं? क्यों नहीं चुनेंगे? हमारे मजबूर है मुख्तार अंसारी को हम लोग चुनेंगे। बहुत से नेता आते, कोई नहीं विकास कराता है, ये होगा वो होगा। जब उनकी सरकार आती है उनके वहाँ नेता आते, कोई काम नहीं। जीतने के बाद सब कोई गायब हो जाता है। तो मुख्तार अंसारी भी तो गायब है? नहीं गायब होते हैं, टाइम पर अगर उनको जेल में जेल से बाहर निकाले काम नहीं करे तो बताएं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या कहना है आपका मुख्तार अंसारी पर? मुख्तार अंसारी एक नेता है, बढ़िया नेता है, जनता का बाहुबली भी तो है, साथ में माफिया भी कहा जाता है, तो भाई अपराधी कहा जाता है। हाँ भाई, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, सरकार बोल रही है अपराधी है, बाहुबली है। तो नहीं, सरकार उन पे मुकदमे दर्ज है? मुकदमे सरकार ने लाती है, आप क्या क्या जनता थोड़ी लाती है। जनता बीच में तो जो है वो अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? समझा, ये अच्छा काम यही करते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है उनकी बहन बेटी का शादी ब्याह कराना, और जो है मजबूर तो जो है हेल्प करते हैं। कोई जो है कोई भी नेता नहीं आता है, जब जरूरत पड़ती है किसी नेता तो वहाँ जाओ शादी ब्याह या कोई काम ले जाओ, सीधा पैसे की बात करता है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है मऊटी धरती पे, मऊट धरती पे तो ये नेता ऐसा है ही नहीं है जो काम करा। 25 सालों से विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने एज अ विधायक क्या काम किया? कुछ भी नहीं, काम तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जनता के बीच में जो काम चाहिए था होती है, जनता की हमदर्दी दिया और जनता उसके साथ हमदर्दी कर रही है। आपका क्या कहना है? हमारा ठीक बोल रहे कुछ बोलेंगे? बड़े सारे लोग बोलने से भी कतराते हुए नजर आते हैं, क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार अथलेट भी चाहिए, हम मऊ का विधायक चाहिए जो है मुख्तार। योगी जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अच्छा काम करे फिर आएंगे मुख्यमंत्री बनते। तब क्यों अखिलेश की बात कर रहे हैं आप? क्यों अथलेट, हम लोग अथलेट तो मानते हैं, अथलेट तोड़ देते हैं। अच्छा, अभी इस समय वो जो है मुख्यमंत्री हैं तो उनका भी जो है उनका भी अच्छा ही था ना। योगी जी भी अच्छा, सब कोई अच्छा है, योगी जी ने भी अच्छा काम किया है, अखिलेश यादव ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश चाहिए। और मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहा यहाँ के लोगों ने आपने सुना। फिलहाल वक्त के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, आप बने रहें PLN न्यूज़ के।